तो अभी तक आपने देखा कि रेवाड़ी से चल के मस्त मज़े मारते हुए वाया दिल्ली एकदम ट्रेन के मज़े उठाते हुए अपन 1700 किलोमीटर की जर्नी कवर करके पहुंचे हैदराबाद। और हैदराबाद आके अपने रूम में पहुंच के हमने मस्त चाय के मज़े लिए। अब आगे तो सबसे पहले हमने चाय पीते पीते ये डिस्कस किया कि भैया अब करना क्या है, एंड हमने सोचा कि पहले खाने का प्रबंध किया जाए। तो मैं मम्मी के साथ गया बाहर to explore and find something that we can have for the night, and काफ़ी amazing places मिली, but the best part was गोलगप्पे। उम्मीद ही नहीं की थी, but दो दिन हो गए थे घर से निकले तो सबसे पहले गोलगप्पे खाए। पर गोलगप्पों की बीटी यहाँ पे ये कि यार ये उसमें गर्म छोले का मसाला डाल देते हैं और हम खाते हैं गोलगप्पे में ठंडा पानी। तो हमने फिर डिनर पैक कराया, एंड वट वी हैड इन डिनर बॉस बाबाजी फैमिली प्रेम रतन धन पायो। डिश नंबर 2 कुलचे छोले। राउंड 3 छोले भटूरे। हमारे रूम से बाहर निकलते ये कितनी प्यारी सी चीज़ है ना, जो मैंने जस्ट अभी नोटिस किया, मैं आपको दिखाता हूँ। Maybe abhi you can't relate to this place as much, but when I will show you the morning view, you would realize ki main aisa kyun bol raha tha. Then I woke up next morning, brush kiya, and then went to the same place again. And then we left to have breakfast. और ब्रेकफास्ट का सीन ये हुआ कि हम यहाँ बाहर स्ट्रीट फूड खाने आए थे, और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बेटे नॉर्थ इंडिया नहीं है। इतना तीखा खाना, पूड़ी के साथ ये लोग कढ़ी खाते हैं, पूड़ी भी नहीं भटूरे के साथ ये लोग कढ़ी आलू खाते हैं, कैसे जीऊँ। तो एक बात तो क्लियर थी कि अब हैदराबाद पे डिपेंड नहीं हो सकते खाने के लिए, तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट ग्रॉसरीज ली, फ्रूट्स पैक कराए, एंड वी लेफ्ट फॉर होटल, एंड वहाँ जाके हमने ब्रेकफास्ट किया। सो इट्स अ स्टार्ट ऑफ डे 2, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर सम पीजीज वेयर आई कैन स्टे ऑब्वियसली। तो देखते हैं कैसा पीजी मिलता है, कहाँ मिलता है। एंड देन वी रीच द प्लेस कॉल्ड गावली डोडी। यहाँ पे बहुत सारे पीजीज हैं, तो प्रेजेंटिंग पीजी नंबर 1 जोलो बॉयज हॉस्टल, जिसकी कवर पसंद नहीं आई। पीजी नंबर 2 जोधपुर वाला बॉयज पीजी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। एंड पीजी नंबर 3 इज थारास, विच वॉज वे टू एक्सपेंसिव। दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं है। चाय भी और डिस्कस किया। कल पीजीज ढूंढते ढूंढते इतना थक गए थे, तो बस रात को डिनर किया और सो गए फटाफट। तो अभी हम जा रहे हैं मेरा कोविड टेस्ट कराने, क्योंकि कल जॉइनिंग से पहले एक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है, लेकिन मास्क लगा के पता ही नहीं चलता, कोई बोल भी रहा है, बस पीछे से ही ट्यूनिंग चल रही है। अब होपफुली कोविड का रिजल्ट तो नेगेटिव आया ही था, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी बाद में बन रहा है, तो मुझे रिजल्ट तो पहले ही पता है। पता नहीं डाक के अंदर कहाँ डाल देते हैं। उस टाइम वो एक सस्पेंस की फीलिंग तो अंदर ज़रूर रही थी, चाहे पता था कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा। देन हम होटल गए, चेकआउट किया, एंड देन हम मेरे नए पीजी के लिए निकल गए। पीजी पहुंच के हमने मेरा रूम सेटल किया, एंड देन उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो हम काफ़ी थक गए थे। पूरा सामान अनपैक करना और फिर उसको अलमारी में लगाना आसान काम तो नहीं होता, और ख़ासकर तब जब आपको पता है कि ये अलमीरा सिर्फ पहले ही दिन ऐसे दिखने वाली है, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो हम बाहर गए टू हैव सम स्नैक्स, और हमें मिला विश्वास हुआ जब मैंने यहाँ पे ये देखा हैदराबाद में ये। अभी बस हमने मोमोज वगैरह खा के हम थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि सो वैसे घूम घूम के थक गए। फिर रूम भी सेट किया, लेकिन
अब मैं सोच ही रहा था कि आज के ब्लॉग को कैसे एंड करूँ, तो चलते हैं टेरेस का व्यू लेते हैं और आज के दिन को और इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं आगे की लाइफ कैसी होती है। फिर जहां मैं खुद को जाने न।